और इसी पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसी के साथ रमन सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कैप्टन आई सिंह भदौरिया आपसे ही शुरुआत करेंगे, आखिर नू में जो घटना हुई है उसको लेकर विपक्षी दल जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है, क्या कहेंगे सर? मैं बड़ी जिम्मेवारी से बताना चाहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस जब से सत्ता में गई है जी, जैसे बिगर पानी के मछली फड़फड़ाती है ना, उस तरह से कांग्रेस फड़फड़ा रही सत्ता में आने के लिए। तो कांग्रेस हरियाणा में नित नया एक दंगा शुरू करवा रही है। पहले उन्होंने किसान आंदोलन कराया, फिर एक गांव में हिंदू मुसलमान का दंगा कराया मंदिर को मस्जिद को लेके, उसके बाद फिर एक हिंदू मुसलमान का दंगा करवाया, उससे भी मन नहीं भरा तो फिर किसानों का आंदोलन दोबारा ले आए। और अब देखिए कि जब इन्होंने देखा ये इससे भी काम नहीं चल रहा है तो पहलवानों का भी इन्होंने दंगा शुरू करवा दिया, पहलवान भी बैठा दिए। पहलवानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो हुड्डा एंड पार्टी कर रही थी। जब वहां से भी जब इनकी बात नहीं बनी तो ये नू में हिंदुस्तान जो है ना हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा दिया। आप बताइए कि आज दिन तक जितने भी धार्मिक जुलूस मुसलमानों के निकलते हैं, चाहे वो मुहर्रम हो या ताजिया हो, कुछ भी हो, कभी किसी हिंदू ने पत्थर फेंका है? कभी नहीं फेंका है। मगर हिंदुओं के धार्मिक जुलूस में ही पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? इसका मुख्य कारण सोचना पड़ेगा, सबको एक को नहीं। राम यात्रा शोभा यात्रा निकले तो पत्थर फेंके जाते हैं, अगर कोई दुर्गा झांकी निकले तो पत्थर फेंके जाते हैं, कोई बजरंग दल का कोई शोभा यात्रा निकले तो पत्थर फेंके जाते हैं। कभी किसी हिंदू ने मुस्लिम समुदाय के किसी शोभा यात्रा में पत्थर फेंके? बता दें आप, कांग्रेस का उन्होंने स्वयं कहा हो चुका है यात्रा में, भगवान की यात्रा में हथियार कौन जाता है वो आपकी केंद्रीय मंत्री ने कहा है। आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। विदेश में जाके कहेंगे हिंदुस्तान में संविधान नहीं है, पेट्रोल छिड़क दिया गया है, माचिस लगाने की जरूरत है, तो यही स्थिति करवाते हैं ये इनको। हरियाणा के बारे में भदौरिया जी को कुछ नहीं पता है, बढ़ा रहा है दंगाइयों को, कोई जो है ना साजिश कर रहा है। तो कांग्रेस अगर आपकी बीजेपी है लेकिन वहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई ऐसी गतिविधि में शामिल है तो कार्रवाई आपकी तरफ से होनी चाहिए ना, जवाबदेही तो आपकी होगी ना सर। और पूरी पार्टी निकलकर दूसरे दिन साइन बाग बैठा दिया था। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, रमन जी मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड, एक एक करके बात रखिए। मुस्लिम जाति मजहब पंथ इसमें बांट के राजनीति करने वाली है। अब पूरा देश इनको जान चुका है, इनके हाथ से सत्ता निकल चुकी है और इन्हें उम्मीद भी नहीं है कि अब सत्ता वापस आएगी, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं, इसलिए दंगे करवा रहे हैं कि दंगों के माध्यम सत्ता मिल जाए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, देश देख रहा है कि ये जो मेवात में दंगे हो रहे हैं इसमें कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का पूरा हाथ है दंगों में। ठीक है, लेकिन कैप्टन आई सिंह भदौरिया जवाबदेही तो आपकी बनती है, छह लोगों की जान चली गई है, कई घंटे गोली तक चली है ये भी खबर आ रही है, कई दुकानों से के साथ लूटपाट हुई है, कई घरों से लूटपाट हुई है, जवाबदेही तो आपकी बनती है। अगर आप कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो आपको जांच करानी चाहिए इन तमाम चीजों पर। ऐसा लग रहा है कि आपसे हरियाणा संभल ही नहीं रहा है। नहीं, हरियाणा संभल रहा है तभी तो जो है ना ये परेशान है, इन्हें लग रहा है कि अब तो हरियाणा में हम कभी आ ही नहीं पाएंगे, इसलिए तो दंगों का सहारा ले रहे हैं, नहीं तो दंगा कहां होने की जरूरत थी। आप सोचिए ना कि हिंदू हिंदू आराम से अपनी शोभा यात्रा लेके जा रहे थे, पत्थर क्यों फिकवाएगा उनके ऊपर? क्या जरूरत थी पत्थर फिकवाने की? कभी किसी हिंदू ने पत्थर फेंका हो तो बता दो, एक घटना गिनती करा दो कि जिसमें हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म के किसी भी जुलूस में पत्थर फेंके हो। मगर हिंदुओं के पे जब बार बार पत्थर फेंकते, दुर्गा पूजा हो तो पत्थर फेंकेंगे, कोई राम शोभा यात्रा निकले तो पत्थर फेंक रहे हैं, अगर बजरंग दल कोई जुलूस निकालता है तो पत्थर फेंक रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता के लिए सब कुछ करने को तैयार है। सर मुझे लगता है दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया आप एक ही मजहब पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है, वो दंगाई होते हैं ओनली।
अगर दंगा करने वाले भी एक ही धर्म के ही होते हैं, दूसरे होते भी नहीं है, ये भी आप मान के चले। जितने दंगाई आज तक पकड़े गए हैं, जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो एक ही धर्म से मिले हैं, दूसरे धर्म से नहीं मिले हैं। अगर दूसरे धर्म से होंगे तो वो कांग्रेस ही होंगे और कोई नहीं होगा। ठीक है रमन सिंह जी, जो ये दंगा नू में हुआ है वो आप पर सीधा सीधा आरोप है बीजेपी का कि कांग्रेस ने ये दंगा करवाए हैं, आपकी साजिश है। देखिए सत्यम गौड़ जी, बात सीधी और स्पष्ट है। सरकार का वहां पे लो एंड ऑर्डर फेल हुआ है। प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों को सीआईडी इनपुट होने चाहिए थे और लो एंड ऑर्डर की जो इनपुट सरकार को आती है उसमें प्रशासन का टोटली फेलियर, पहली बात। दूसरी बात, इनके गुड़गांव से केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत जी, वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा को लेकर उनके सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे और न्यूज़पेपर की सुर्खियां उनका बयान बने कि यात्रा पे उन्होंने खुद सवाल खड़े किए। ठीक है, उसके बाद जान माल की पहली पंक्ति से लेके बैठे आखिरी पंक्ति तक व्यक्ति की जिम्मेदारी सरकार की होती। माननीय खट्टर साहब जब बचकाना बयान देंगे वो कहेंगे कि हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, तो जो दंगई करने वाले कोई भी लोग उनको एक आत्मविश्वास मिलेगा जब प्रांत का मुख्यमंत्री ये कह देगा कि सुरक्षा हमारे हाथ में। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, वो भी बयान आप न्यूज़पेपर में छपा है, सोशल मीडिया पे है, न्यूज चैनल्स पे वीडियो है। ठीक है, और दूसरी बात, सरकार को हम मांग करते हैं कि दोषियों को ना बख्शे, लेकिन सरकार के दो चेहरे दिखाई ना दे, एक चेहरा दिखाई दे सबके लिए। यात्रा में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसलिए कांग्रेस की सरकार मांग करती है इस मामले की जांच माननीय हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाए, वो इस मामले की पूरी जांच करें और वो अपनी रिपोर्ट माननीय हाई कोर्ट को सौंपे और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। लेकिन रमन सिंह जी, इस दंगे के पीछे आपको क्या लगता है, क्योंकि चुनाव भी पास हैं। देखो बीजेपी तो आप पर आरोप लगा रही है कि दंगा कराने में कहीं ना कहीं आपका हाथ है। सत्यम जी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे बयान की मैं खुद जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूँ, उसको तो सुनो। माननीय कोर्ट के नेतृत्व में जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे जो दोषी हैं किसी को ना बख्शा जाए। बीजेपी एक चुनाव के दौरान इस तरह का माहौल पैदा हुआ, हरियाणा में 10 साल हमारी भी सरकार रही है, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, कभी हरियाणा नहीं जला। आज बार बार हरियाणा क्यों जल रहा है? कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपने मन से बैम निकाल दें, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने इनको बार बार देखा है। हरियाणा में इस तरह के हालात कभी पैदा नहीं हुए। अच्छा एक चीज आप बताइए रमन सिंह जी, एक विधायक हैं आपके मामन खान, विधायक कांग्रेस, इनका एक ट्वीट वायरल हुआ था। इन्होंने कहा था मेवात में जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम भाइयों हम आपके साथ हैं, तमाम चीजें लिखी थी। इसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था और इसके बाद से ये तमाम चीजें देखने को मिली। बताओ, ट्वीट में पढ़ के सुना दूं। मेवात में कल मेवात में कल से तरह तरह की अफवाह चल रही है, आप किसी भी सीधी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, विधानसभा में आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और मेवात में भी आपकी लड़ाई लड़ूंगा। सत्यम जी, और ये 30 तारीख को ट्वीट किया गया है आपके विधायक की तरफ से। ऐसा है मामन जी, सत्यम जी मैं आपको बता रहा हूँ, जो विधायक ने बयान दिया था वो विधानसभा के पटल पे 5 महीने पहले उन्होंने किसी संदर्भ में एक बात रखी थी, अगर आपके पड़ोस में सत्यम जी भगवान ना करे कोई व्यक्ति किसी की जान ले ले तो एक नैतिकता के आधार पे आप भी फर्ज के नाते एक बात कह सकते हैं कि जी इस व्यक्ति से थोड़ा सा सतर्क रहें और सरकार को नहीं, आप जो ज्ञान दे रहे हैं, आप जो ज्ञान उतनी देर से दे रहे हैं रमन जी, आप इनके बारे में, अपने विधायक जी के बारे में बोल रहे हैं,
इनको तो बीच में आकर ये बोलना चाहिए कि शांति का संदेश देना चाहिए, इस तरीके से भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए कि सोशल मीडिया में आकर ये तो और भड़का रहे हैं। और मुझे लगता कैप्टन आई सिंह भदौरिया अब मुझे लगता कि वो कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। अरे सत्यम भाई, हाँ जवाब आपके हिसाब से तो नहीं दूंगा ना, जवाब मैं अपने हिसाब से दूंगा ना। और जो जवाब तो आप गलत, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, आप सच्चाई भी तो बोलिए ना। अपने विधायक के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए, दो बयान दिया, एक शब्द नहीं बोल पाए रमन जी। अपने विधायक को इस तरीके से बचा क्यों रहे? फिर नाम ओपन कर दिया, जवाब देना चाहिए। सोनिया गांधी को आगे आगे होके जवाब देना चाहिए कि आपके विधायक ने इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दिए थे। दंगा कराने वाला हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बीजेपी ऐसे ही नहीं कह रही कि ये दंगे प्रायोजित है, प्रायोजित कराए गए हैं। कांग्रेस के जब विधायक इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, तो दंगे तो होना ही था। तो राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, यहाँ दंगे प्रायोजित हो रहे हैं, ये जानबूझ के करवा रहे हैं, क्योंकि इन्हें 2024 दिखाई दे रहा है अपने सहजादे के लिए। मगर सहजादे की तो सदस्यता ही निरस्त हो चुकी है, अब वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया और रमन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये जो विषय है ये जांच का विषय है, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है, और सीसीटीवी जो फोटेज हैं उसके आधार पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आखिर इसमें किसकी साजिश है किसकी साजिश नहीं है, इसका बाद में पता चलेगा जांच के बाद।